बाऊजी, बाऊजी, बड़ी माँ। कहते हैं कि माँ से बड़ा कोई नहीं, पर मेरे लिए माँ से बड़ी है मेरी बड़ी माँ। ईश्वर का दूसरा रूप है मेरी बड़ी माँ। अच्छा बुरा मुझे सिखाती, संस्कारों की राह बताती, उंगली थामे चलना सीखा मैंने आपसे बड़ी माँ। आपसा ना कोई मिलेगा, ढूंढा ये सारा जहां। मैं हंस दूं तो खुश हो जाती, मैं रो दूं तो आंसू बहाती, सबसे प्यारी बड़ी माँ। सर पर मेरे तेरा साया सदा बना रहे बड़ी माँ। तेरे लिए हर दम हाजिर, तेरे बेटे की ये जान। आई लव यू बड़ी माँ, हमेशा एंड फॉरएवर। हैप्पी बर्थडे बड़ी माँ। बर्थडे बुआ। थैंक यू। ये आपके लिए। ओह, सबसे बड़ा गिफ्ट वो होता है जो मार्केट से खरीद कर नहीं बल्कि खुद से क्रिएट कर कर दिया जाए। वेरी गुड। बुआ जी, असली थैंक यू तो आपको एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए, जिसने ये केक इतनी मेहनत से बिना किसी की हेल्प लिए बनाया। अ बिग हैंड फॉर मानवी वडेरा। बाऊजी, हम हैरान हैं। हम खुद अपना जन्मदिन भूल गए थे और आप सबने। हम सबने नहीं बेटा, जीविका और मानवी ने। नहीं नहीं दादाजी, मैंने और भाई ने भी सपोर्टिंग रोल प्ले किया है इसमें। सबसे पहले आज दिन में जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें अफसोस है। हमें नहीं पता था कि तुम लोग हमारे बर्थडे की तैयारी कर रहे हो। हमने ऐसे डांट दिया। I'm so sorry। बुआ जी, आज सॉरी कहने का दिन नहीं है, आज खुशियां मनाने का दिन है। हाँ बुआ जी, अगर आप हमसे सच में खुश है ना, तो हमें आप बस एक छोटी सी प्यारी सी झप्पी दे दीजिए। इसीलिए तुम आज दिन भर हमें घुमाते रहे, घुमाते रहे, घुमाते रहे, ताकि हमें सरप्राइज के बारे में पता ना चले। क्यों? दरअसल वो बस मैं। बस क्या? तुमने जो भी किया ना, वो अच्छा किया। थैंक यू सो मच। बुआ जी, अब कम से कम केक तो काट लीजिए, नहीं तो इस केक के साथ साथ मेरी सारी मेहनत पिघल जाएगी। यस यस यस। बुआ जी। हाँ गई आपकी दवाई। थैंक यू सो मच। आपको और कुछ चाहिए? नहीं जीविका, हमें और कुछ नहीं चाहिए। वैसे आज तुमने और मानवी ने जो हमारे लिए किया वो हम जिंदगी भर नहीं भुला सकते, तुम्हें पता है।
करण के गुजरने के बाद हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम इस दुनिया में अकेले हो गए, लेकिन तुम सबका प्यार देखकर अब हमें इस बात का एहसास हो रहा है कि हम इस दुनिया में बिल्कुल तन्हा नहीं है, हमारा परिवार हमारे साथ है और हमेशा रहेगा बुआ जी। जीविका, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं और ये बात काफी दिनों से हमारे जहन में है। तुम तो जानती हो जीविका, कितनी मुश्किल से हमें हमारा खोया हुआ बेटा वापस मिला था। एक मुद्दत के बाद जैसे खुशियों ने हमारी जिंदगी में एक दस्तक दी थी, उसके आने से कितने खुश थे हम। फिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जीविका जो तुम्हें करण पर गोली चलानी पड़ी, हमें सच सच बताओ। जीविका, माना कि करण की मौत जैसवाल की गोली से हुई थी, लेकिन ये महज एक इत्तेफाक था। जीविका, तुमने भी तो करण पर गोली चलाई थी। ऐसा क्या किया था करण ने, बताओ हमें, जो तुमने उसे मारना चाहा, उसकी जान लेने की कोशिश की। शिविका, आज तक तुमने किसी के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, फिर ऐसी क्या वजह थी जीविका? ऐसा क्या किया था करण ने जो तुम्हारे लिए गन उठाने तक की नौबत आ गई? हमें बताओ जीविका, क्यों किया था तुमने ऐसा? कब से इंतजार था इस दिन का जीविका भाभी? वडेरा खानदान की इज्जत मेरे हाथों में है। चुप मत रहो जीविका, प्लीज हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं ताकि हमारे दिल को तसल्ली मिल सके। बताओ जीविका, प्लीज। बाजी, उस रात चुप क्यों हो गई जीविका, बताओ हमें। जीविका, हम जानना चाहते हैं ऐसा क्या किया था करण ने, बताओ। बुआ जी, शायद ये बात अब बुआ अभी आप, मैं तो बुआ के लिए केक लेके आया। वो क्या है ना, हमारा एक ओल्ड ट्रेडिशन है, बर्थडे चाहे किसी का भी हो, हम साथ मिलकर केक फिनिश करते हैं, राइट बुआ? बहुत अच्छा ट्रेडिशन है विराट, आप दोनों केक खाओ, मैं आती हूँ। जीविका, हमारे सवाल का जवाब दिए बिना तुम कैसे जा सकती हो? सवाल? हाँ विराट, हम जीविका से जानना चाहते हैं कि उस रात करण ने ऐसा क्या किया जो जीविका को उस पर गोली चलानी पड़ी। जीविका, देखिए बुआ, उस रात वहां जो कुछ भी हो, वो सब एक जैसवाल की साजिश थी जिसके लिए वो पकड़ा भी गया और बहुत जल्द उसको सजा भी होने वाली।
जीविका भाभी और मानवी को तो सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहा था, और वहां जो कुछ भी हो हम उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन विराट, बुआ बुआ पुरानी बातों को याद करके कोई फायदा नहीं, उन्हें जितना कुरेदोगे ना उतनी तकलीफ पहुंचेगी। और बुआ करण एक गलत आदमी की संगत में फंस गया था, इसीलिए उसको अपनी जान देनी पड़ी। अगर हमें पहले उसके बारे में पता होता तो हम शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन जो हो गया कुछ नहीं कर सकते। अब भलाई इसी में कि आप करण की शादी समेट कर जिंदगी में आगे बढ़े। हम जानते हैं विराट, और हम जितनी भी कोशिश कर ले जिंदगी में आगे बढ़ने की हमसे हो नहीं पा रहा। बुआ वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाए। आई अभी आप केक खा लीजिए, मैं आपके लिए केक लेकर आया हूं, छोटा सा स्मॉल स्मॉल। Yes. मुझे बड़ी दिस तो। फिर ऐसी क्या वजह थी जीविका, ऐसा क्या किया था करण ने जो तुम्हारे लिए गन उठाने तक की नौबत आ गई? हमें बताओ जीविका, क्यों किया था तुमने ऐसा? आती मैं आपसे क्या थी? क्या हुआ? आप ये सुबह सुबह खोया खोया चांद क्यों बनी हुई? कोई प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है ना मन्नू, कल रात बुआ जी मुझसे पूछ रही थी कि मैंने आखिर करण पे गोली क्यों चलाई, क्या हुआ था उस रात? भाई बुआ को सारा सच जानना है। विराट विराट देख, बड़ी माँ को कभी सच नहीं बता सकते। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं क्या कहूं क्या बहाने बना। मैं बुआ जी को सच बोलने ही वाली थी कि थैंक गॉड कि विराट वहां आ गया। भाई मैंने किसी भी तरीके से सिचुएशन को संभाल ली, बात को आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन मैं जानता हूं बुआ के अंदर का दर्द अभी तक कम नहीं हुआ। पता नहीं उन्हें इस सिचुएशन से उभरने में कितना वक्त लगेगा। रिलैक्स मनु, बुआ जी की तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, काश उनके दर्द का मेरे पास कोई तो इलाज होता, कुछ तो कर पाती मैं। विराट मेरे पास एक आइडिया है।
आप सबको देखकर हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आप लोग किसी एक और सरप्राइज की तैयारी में हैं? अब प्लीज, कल का सरप्राइज हमारे लिए काफी था, अब आगे के लिए फुल स्टॉप। वैसे बड़ी माँ, एक सरप्राइज प्लान तो किया था हमने, आपका बर्थडे इसलिए नहीं किया, बस हम सब ने सोचा कि बहुत वक्त हो गया कि पूरा परिवार एक साथ कहीं गया नहीं, तो सोचा कि पिकनिक के लिए चलते हैं, सारी अरेंजमेंट्स भी हो चुकी हैं, आज ही जाना है, बस बड़ी माँ मना मत करना। के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।